एक क्वेश्चन का आपसे कोई सोल्यूशन करवा देंगे हम। तो आपसे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आपसे फटाफट। आइए क्वेश्चन जो देखिए पूछा गया आपसे भी, सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे भी से, हालांकि सिक्वेंस में नहीं है, पर आपसे भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाते हैं, भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जो ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आपसे कवर करवाएं करीब करीब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है कि फ्रेंड ये आपका बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है सत्यमेव जयते गला फार फार के बताए थे कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए चिपका दिया क्वेश्चन, मुंडो को उपनिषद से लिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए थे कि नारा के बारे में आपसे को पढ़ना है और नारा बहुत सारा बताया भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसके द्वारा दो नारा दिया गया था, ये आपका जय हिंद जो नारा है ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभिन्न अंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका नामदेव हो जाता है, जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ था कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा शोभनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए असंगत यानी कि विमेल को चुनना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जो भी बी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका, ध्यान रखेंगे आपसे भी। बिल्कुल ईजी आसान क्वेश्चन पूछा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। यानी कि जो आपका 10th लेवल का सिलेबस बताया गया है बिल्कुल उसी आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बता देते हैं कि इसका जो कि वैल्यू निकालना हुआ था एक्स था, एक्स स्क्वायर था बराबर 7x है प्लस 12 है, उसके बाद जो कि इक्वल 0 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जितना ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 होता, ध्यान रखिएगा आप सभी 3 और 4 होता। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते 4√3 cm² हो जाता। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन को चार्ज होता है, यानी कि एक मोबाइल फोन जो चार्ज होता है वो कैसे होता है। क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन चार्ज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अलग अलग कॉपी में अलग अलग क्वेश्चन नंबर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत है। तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत का होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन में ए जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कई बार आपसे को बताए थे कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऑप्शन में बी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आगे आपसे से पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो वो किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, याद रखिएगा ये भी आपसे को बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस ओलंपिक खेल में मार्शल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1936 का बर्लिन में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आप सभी का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी से कि LIC ने एक ग्राहकों एजेंटों एवं मध्यों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आनंद है, याद रखेंगे ऑप्शन में ए जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, रावत भाटा आप सभी को ये टॉपिक बार बार कवर करवाए थे और आप सभी को बोले थे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, चिपका दिया गया है क्वेश्चन। तो रावत भाटा ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बोलिएगा, बिल्कुल राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किए होंगे। उसके बाद देखिएगा हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सब कुछ जानता हो, ये बताए थे आपको जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होते हैं, जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होंगे। उसके बाद देखिए, ये आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ था क्रम, जैसे कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा है, उसके बाद एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत कम था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा था, तो इसको एक सिक्वेंस में सजाना था। तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले कौवा को प्यास लगेगा, ठीक है, पहले कौवा को क्या होगा, प्यास लगेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो प्यास की तलाश में घड़ा को खोजेगा या पानी को ढूंढेगा, उसके बाद उसको बगीचा में क्या मिला, घड़ा मिला, वो घड़ा में पानी बहुत कम था, उसके बाद उसमें कंकड़ डाला, तब पानी ऊपर आएगा, तब कौवा पिएगा, यानी कि एक सीक्वेंस में इसको सजाना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समानार्थी शब्द को चुनना है, इसमें नियति का समानार्थी क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डिवीजन भाग्य होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन एक अलवार महिला संत हैं, तो अंडाला जो है ये एक अलवार महिला संत हैं, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता आप सभी का। उसके बाद देखिए, वाक्य शुद्धि यानी अशुद्ध वाक्य को चयन करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, यहीं पर इसका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ओलंपिक खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक खेल के बारे में भी आप सभी को बताए हुए थे जब खेल कूद का क्वेश्चन कवर करवा रहे थे आप सभी से। तो पहला प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ये कब शुरू किया गया था, तो ये 700 BC के अप्रोक्स में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर 776 BC होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो मैनेज करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देता नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में कई बार आप सभी को बताया थे कि 1885 में जो है कि कांग्रेस का स्थापना होता है, वो ह्यूम के द्वारा स्थापना किया जाता है, पहला अध्यक्ष इसका ब्योमेश चंद्र बनर्जी था, लॉर्ड डफरिन के समय में होता है, कई बार आप सभी को बताए थे। जो क्वेश्चन चिपका दिया गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, WC बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष थे, यानी कि जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। उसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक के बारे में बात किया गया है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को कवर करवाया गया था, उदयन के बारे में आप सभी को बताया गया था, इसी ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था, क्लियर है। उसके बाद देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान के बारे में पूछा गया है, तो ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या है एक्यूरेट, एक बार इसको चेक करने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रम एक बिंदु R से चलना शुरू करता है, डायरेक्ट 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, अगर इसको बनाइएगा तो बन जाएगा, उसकी दिशा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाती है दक्षिण पश्चिम दिशा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जो भी दक्षिण पश्चिम दिशा टिक किए होंगे बिल्कुल उसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, एक त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी ध्यान दीजिएगा और उसी टॉपिक को आपसे कवर करते चलिएगा फ्रेंड, आपको बताए थे जब सिलेबस की रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित आपके क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाता है, 19 इसका होता है करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका USA होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी।